प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पापड़ बन सकते हैं, बिना आम का अचार बन सकता है, तसास बिना फायदे का धंधा हो ही नहीं सकता। और फिर भी जेठा भाई अपने फायदे के लिए आपका नुकसान कभी नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। बोलिए जाएंगे? सोचता हूँ। सोचते ही रहेंगे आप, मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। पिड़ू, तू माधवी भाभी की बात नहीं मानता, गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। अरे मुझे देख, मैं अपनी रोशन की हर बात मानता हूँ। बगा। अरे सोड़ी, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ, अभी मेरा मोबाइल चल रहा है ना, फिर भी माधवी बोल रही है कि दूसरा मोबाइल ले लो। बरोबर है। अच्छा मेरे को एक बात बता, एग्जैक्टली इन तीनों में से कौन सा मोबाइल चल रहा है? सोड़ी ये तीन मोबाइल नहीं है, ये एक ही मोबाइल है, गिर के टूट गया था। तो फेंक देना इसको, और तेरा तो मोबाइल पुराना है, और मैं एक बार नई शर्ट लेके आया था और मैंने उसको पहन के दिखाया अपनी रोशन को, और रोशन को उसका कलर ही पसंद नहीं आया जी, और मैंने सीधे दराज से कैंची निकाली और अपनी नई शर्ट को काट डाला। रोशन बोली, अरे ये क्या किया, चलो इसका पोछा बना देते हैं। और मैंने कहा मेरी रोशन, और जिस शर्ट का तेरे को कलर पसंद नहीं आया ना, उसका पोछा भी नहीं बन सकता। वाह बगीतला, पोछे जैसी चीज। थैंक यू माधवी भाभी। और सुन, एक बार हम लोग शादी के बाद जलंधर गए, और मेरे हाथ में बड़ी प्यारी सी घड़ी, वो भी नहीं बंधी हुई थी, रोशन को पसंद नहीं आई, और मैंने उसी समय उसको उतार के बाजू में बैठे वाले बंदे को पहना दी। अंजनांदी को घड़ी दे दी? भाई था मेरा। कुछ भी हो सोड़ी भाई, ये तो आपके जैसा सोच ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमेशा इनके जमाने में जीते हैं ना। करेक्ट है, पुराने जमाने का पिड़ू म्यूजियम वाला। और सुन पिड़ू, फिर एक बार हम लोग। ये भाई क्या एक बार करके बार बार सुना रहा है मुझे, और तू यहाँ पे क्या हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा लगाने आया है? वो की गाल कर रहा है? और नहीं नहीं नहीं, और मैं तो मेंटेनेंस का चेक देने आया था। ले फाड़ फाड़। ओ पकड़ यार, ये कह रहा हूँ। हाँ सोड़ी भाई बैठे ना, मैं आम लेकर आती हूँ। ओ माधवी भाभी जी, आज नहीं, आज जरा जल्दी में हूँ, नेक्स्ट टाइम। ओ काट कर ही रखे है, अब भी लेकर आती हूँ एक मिनट में। अरे बरसा सुनो, कटे हुए आम रखे, जा जल्दी से लेके आ। हाँ। वाह क्या लजीज आम है यार, आनंद आ गया जी आनंद। वो कहाँ से बनवाए ऐसे बढ़िया आम? बनाए? अरे सोड़ी, ये रत्नागिरी के आम है, मेरे भाऊ का है ना, उनके बगीचे के आम है ये, हापुस। वाह एक में सेक्रेटरी साहब, फिर तो आपका फर्ज बनता है हमारे लिए रत्नागिरी से ये फेमस हापुस आम मंगवाने का। हाँ हाँ बिल्कुल, मंगवाऊंगा तेरे लिए भी। वो तो मंगवाने ही पड़ेंगे। ओ यार तू तो जानते ही है, यहाँ के आम एकदम पपीते जैसे होते हैं। खरच से भाई, तू रत्नागिरी का है तो उसका कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। हाँ भाई जरूर, चल चलता हूँ भाई। और सुन, और माधवी भाभी की बात मान लेना, माधवी भाभी की बात सोना आने सच है। और जब भी तेरे को मोबाइल पे कॉल करो, कभी लगता कभी लगता ही नहीं है, अब बदल देना ही अपना कंपस बॉक्स। होए पिड़ू क्या होए होए कर रहा है, और पत्नी से थोड़ा रोमांटिक राग, वेडिंग लाइफ एकदम खुशहाल हो जाएगी। चल मैं चलता हूँ। चला पिड़ू, अब मजा आ गया, आनंद आ गया यार, माधवी भाभी मंडल आबादी आए। थैंक यू, चल पिड़ू।
सोड़ी भाई कुछ भी बोलते हैं नहीं तो गए आप और रोमांटिक नया मोबाइल लेना है याद है ना तुम्हारा रास्ता और हमारा रास्ता अलग है हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं ओहो इतने सुबह सुबह अच्छा मैटनीस जेठा लाल मैटनीस जो नहीं मेरे रिसर्च सेंटर की शॉर्ट फिल्म देखने जा रहे अच्छा इंग्लिश पिक्चर कौन हीरो कौन है जेठा लाल जेठा जी एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है अच्छा अच्छा कॉमेडी है नहीं एक्चुअली रिसर्च फिल्म है रिसर्च यानी संशोधन के लिए इनके डिपार्टमेंट ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है वही देखने जा रहे हैं अच्छा क्या विषय क्या है ओ संशोधन का विषय क्या है किसके ऊपर बनाई है पिक्चर धरती पे पानी कम हो रहा है ना उस बारे में ले बोलो अरे गर्मी के सीजन में तो पानी कम ही होता है ना उसमें संशोधन क्या करने का कविता मेले में शुरू हो जाएगी चलो हाँ स्टार्टिंग मिस हो जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा धरती पे पानी किसने कम कर दिया टप्पू के पापा हाँ क्या है ढूंढ लिया मैंने क्या अमरीश खाता हुआ आपका फोटो ठीक है अरे क्या ठीक है जेठा लाल पढ़ना पढ़ो बता ना एक मिनट बता नहीं नहीं दादा दादा नहीं नहीं अरे क्या नहीं नहीं बता बता कौन सा बटो अय्यर भाई एक बार टप्पू के पापा अमृत पी रहे थे ना तो मेरे वीरा सुंदर ने चुपके से उनका फोटो खींच लिया और ये अमृत से न है वो ना ऐसे लग रहे हैं बोलो अरे तो वो फोटो तो मेरे को भी देखनी है बता बता ना दया भाभी अरे ऐसे कोई आम रस खाता है छोटे बच्चे भी आम रस नहीं खाते दिखा दिखा नहीं 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 अरे बबीता को दिखाता हूँ फिर आप देखना देखो बबीता इट्स सो क्यूट जेठा जी जेठा लाल मैं तुमको एक फायदे की बात बताऊं ये फोटो 2011 का फनिस्ट फोटो कंपटीशन जीत सकता है आप बोलो तो मैं भेज देता हूँ बबीता जी एक अरे जेठा जी चिल इट्स ओके यू नो ऐसी सब छोटी छोटी बातों से जिंदगी में मजा आता है ये फोटो देख के आपको मजा आया जी तो ये फोटो का पैसा वसूल आप बोलो तो और 10-15 ऐसे खिंचवा लूं मैं अरे नहीं नहीं चलो कविता चलो लेट हो रहा है आई सी यू अराउंड ओके ओके बाय 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 बाद में पिक्चर का स्टोरी बताना तुम लोग क्या खड़ा जाओ जाओ खेलो भाई खेलो चलो चलो अक्कल है तेरे में पूरी दुनिया को ये फोटो दिखाने की क्या जरूरत थी सॉरी सॉरी जेठा भाई एक मिनट हाँ अहो अहो ऐकला था क्या हुआ माधुरी भाभी नहीं नहीं इनको नया मोबाइल लेना है ना इसलिए बुला रही हूँ जेठा भाई नया मोबाइल हाँ बोल बोल क्या बजट क्या है और मॉडल कौन सा चाहिए नहीं नहीं मैं खुद दुकान में आके सिलेक्ट कर लूंगा हाँ तो मैं दुकान ही जा रहा हूँ चल साथ में चलते जाना माधुरी नहीं नहीं तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ ठीक है और कुछ माधुरी भाभी नहीं नहीं थैंक यू टप्पू के पापा क्या है जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र ये लीजिए आपका रिमोट
फिर से बिगड़ेगा तो नहीं? अरे नया है भाई। ठीक है, आपका कितना देने का? अरे कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। अरे वेलकम। काका, लागू नटू काका। अरे जीव तो रे दिख रहा, आओ बागा आओ। आज सवेरे सवेरे नटू काका यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। तो अच्छा किया ना बेटा, तू जब भी आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आओ आओ। राम राम भाव, राम राम। राम राम, बट नो नीड ऑफ आम। हमको आम नहीं चाहिए। नहीं सर, मैं आम बेचने नहीं आया हूँ। मैं तो मोबाइल लेने आया हूँ। मैं अच्छा अच्छा मोबाइल चाहिए, आइए दिखाता हूँ। आइए आइए आइए। देखिए ये है, ये तो बहुत महंगे सेठ, 1200 का दिखाओ ना। हाँ हाँ है ना, तो बोलना चाहिए ना आपको। ये देखिए। हाँ ये अच्छा है। ये कितने का है? 1500। सर मेरे पास तो 1100 रुपया है, बाकी का पैसा बाद में दो तो चलेगा क्या? नहीं 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 भाई, हम लोग उधारी का धंधा बिल्कुल नहीं करते। तू तो आम बेचने के लिए इधर उधर घूमता रहेगा, हम तुझे कहाँ ढूंढेंगे? सर बाकी के पैसे के बदले में मेरे आम की पेटी ले लो। अच्छा मतलब आप आम बेचने आए हो? नहीं सर, आई सब पद खोटे बोलत ना, मैं आम बेचने नहीं आया, मोबाइल लेने आया हूँ मैं तो। वो क्या है, अभी आम का सीजन आया ना, तो ऑर्डर बहुत आता है, तो मोबाइल का जरूरत पड़ता है ना, इसलिए मोबाइल लेने आया। देखो सेठ, मेरे पास है 1100 रुपया और आम के पेटी के 600 रुपया, टोटल हो गए 1700। आपका मोबाइल है 1500 का, तो मोबाइल और 200 रुपया आप मेरे को देना और आम की पेटी और 1100 रुपया आप रख लेना। नहीं भाई नहीं, हमारे सेठ जी बाघ जैसे हैं, जस्ट लाइक टाइगर। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैंने मोबाइल के पैसे के बदले में आम की पेटी ली है तो मुझे डांटेंगे। अच्छा सेठ, 550 रुपया और अब मोबाइल और 150 रुपया देना खाली। नहीं 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 नहीं, सेठ जी गुस्सा करेंगे। सेठ जी 500 रुपया। नहीं भाई, एक काम करो, 400 रुपया से कम नहीं लूंगा सेठ। नटू काका ये सौदा फायदे का है। नहीं नहीं बागा। क्या नहीं नहीं सेठ, एक बार आम टेस्ट करके तो देखो, अरे एकदम मीठे, अगर मीठे नहीं निकले ना तो लेना ही मत। अच्छा ठीक है चलो। बागा आम तो मीठा है भाई, हमारे बागा को भी चखाओ। हाँ जरूर जरूर। अफलातून आम है, लेकिन भाई ये पेटी के आम भी ऐसे मीठे ही निकलेंगे ना। हाँ सेठ, ये पाटिल के आम है, अरे अंदर क्या बाहर क्या, एकदम मीठे निकलेंगे देखो। आपका मोबाइल भाई ये सही है, आप भी याद करेंगे, कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का माल है ये। आपके 1100। राम राम। सुनो अभी हमारे सेठ जी आएंगे तो उनको चखने के लिए एक सैंपल तो दे दो। जरूर जरूर क्यों नहीं, ये लो। राम राम। आइए नटू काका। हाँ रे, ये क्या हो रहा है दुकान में? सेठ जी आम खा रहे हैं, आइए आइए आप भी आम खाने बैठ जाइए। हाँ ये सेठ जी आप ही के आम है। मेरे आम क्या है सेठ जी? एक आम बेचने वाला मोबाइल खरीदने आया था, उसके पास 400 रुपए कम पड़ गए, तो 600 की पेटी 400 में देके गया। ये क्या बात हुई नटू काका, कल को कोई झाड़ू बेचने वाला मोबाइल खरीदने आएगा, उसके पास पैसे कम होंगे तो 400 रुपए का झाड़ू रख लेंगे?
क्या सेठ जी, आप भी अगर काम की चीज होगी तो ही नट्टू काका लेंगे ना। हाँ सेठ जी, ये आमकी पेटी आप घर जाते समय घर लेके जाइएगा, और आपके लिए मैंने एक सैंपल लेके रखा है, आइए खाने बैठ जाइए ना। बागा सेठ जी के लिए काट। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं खानी, हम ये पेटी मैं घर पे ले जाऊंगा ना, तो शाम को बापू जी, दया, टप्पू सबके साथ मिलकर खाऊंगा। आप लोग खाओ और जरा जल्दी करो भाई, ये अच्छा नहीं लगता घर के सामने क्या बैठे छापा बापा पत्थर के। नटू काका, ये आम हम बाद में खाएंगे। अरे जेठालाल, अरे आओ आओ भिड़े आओ। ले, मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा। हाँ। मेरे साथ आ गया होता तो रिक्शा का पैसा बच जाता ना भाई। नहीं, मैं तो बस से आया, लेकिन तुम्हारे साथ ही आना चाहिए था। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों है? ये बस वाले छुट्टे ही नहीं रखते, इसीलिए मैं हमेशा रिक्शा में आता हूँ। अरे भाई, गोकुलधाम से यहाँ तक आने के लिए रिक्शा से 30 रुपए होते है। 5 रुपया कहते सेठ जी के घर से नाके तक चल के आने का, और वहाँ से सर रिक्शा में 5 रुपया, और अगर वहाँ से बस में आए तो 7 रुपया। अरे देवा, तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया, जाते वक्त ऐसे ही जाऊंगा। अरे जेठा, वो मोबाइल। अरे पहले क्या चाय भाई, क्या पियोगे? बड़े भाई आइए, आम खाने बैठ जाइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप खाइए। भिड़ा चाय पिएगा नटू काका, चाय बोलिए। बागा जल्दी चाय बोल के जा। चाय? इतनी गर्मी में आप चाय पियोगे? भाई ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, भिड़े चाय पीता है नहीं? हाँ। दिन में चाय और रात को सोडा। चाय मंजे अमृत तुल्य। भाई तू चाय बोल। चाय अभी बोल के आओ, मैं मोबाइल दिखाता हूँ। आओ इधर। ये सबसे बेस्ट पीस है, लेटेस्ट। क्या भाव है इसका? 8,000। ओहो 8,000, इससे कोई सस्ता वाला है? इससे सस्ता वाला फिर ये ले ले, टच स्क्रीन। और अभी तो क्या सब टच स्क्रीन वाला बहुत वापरते हैं। टच करो, फंक्शन ओपन। बढ़िया, रख ले। क्या टच करने का भाव क्या है? 6,000। अरे बापरे, 6,000, माजा किशोरा टास लागे। नहीं नहीं, मतलब महंगा है, इससे कोई सस्ता वाला नहीं है? तो मुझे बता तेरा बजट कितना? देखो मेरा बजट है 2,000 से लेके 1,500 तक। तो मुझे बता तेरा बजट कितना? देखो मेरा बजट है 2,000 से लेके 1,500 तक। अच्छा तो ठीक है, तो उसमें ये दो ही पीस है उसमें, जो पसंद है ले ले। अच्छा इसमें ये सब है ना, मतलब कैमरा, ब्लूटूथ, म्यूजिक सिस्टम, गेम्स, इंटरनेट वगैरह सब है ना? क्या भीड़ है, 1,500-2,000 का पीस में सब थोड़ी आता है। अरे ऐसे कैसे, मेरे पहले वाले मोबाइल में सब था। ये देखो, एक मिनट हो गया, ये देखो इसमें था सब। अरे ये चालू कंपनी का माल है भाई, इसमें सब आता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक चलता नहीं है मोबाइल। क्या बात कर रहे हो जेठालाल, ये तो 1 साल चला था। मतलब नसीब पे चलते है सब पीस, चला तो चला, नहीं तो फिर राम राम। अगर ऐसा ही मोबाइल चाहिए तो एक मेरे पास पीस पड़ा है ऐसा, पर ये क्या है, ज्यादा चलते नहीं है ये सब मोबाइल, क्योंकि गारंटी नहीं होती। इससे अच्छा मेरी बात मान भिड़े, ये 6,000 वाला है ना टच स्क्रीन, वो ले ले, 1 साल की गारंटी, और ऊपर से 3 साल कुछ नहीं होगा, वो गारंटी मैं देता हूँ। जेठालाल, मोबाइल के मामले में मेरा एक सिंपल गणित है, 6,000 वाला महंगा मोबाइल लिया तो वो 3 साल चलता है, और 1,500 वाला मोबाइल लिया तो वो 1 ही साल चलता है, तो वो 3 साल में 1,500 वाले में 3-3 मोबाइल वापर सकता हूँ कि नहीं? भाई तुम्हारा ये शिक्षक वाला गणित मेरी समझ के बाहर है। तुम एक काम करो, तुम मुझे ये मोबाइल दे दो। ये चालू कंपनी का माल है भिड़े, ये रहने दे, ये ले ले। कोई बात नहीं जेठा, तुम इसे चालू करके दिखा दो। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी। नसीब, महंगा मोबाइल लेने से बच गया। दोस्तों, भिड़े को सारी खूबियां एक ही मोबाइल में चाहिए, वो भी सस्ते दामों पे। अब भिड़े को कौन समझाए कि नींबू के दामों में कभी संतरे नहीं मिला करते। हालांकि जेठालाल ने समझाने की कोशिश की, क्वालिटी का गणित भी समझाया, लेकिन भिड़े हैं कि क्वांटिटी का बाजा बजा रहे थे। अब देखिए, हर आदमी का अपना गणित होता है, जैसे जेठालाल और भिड़े का गणित तकरार वाला गणित है, और इस बार तो भिड़े ने बिना गारंटी वारंटी वाला मोबाइल फोन ले लिया है। अब कुछ हुआ तो मैं जानता हूँ,
आप बेसब्र हैं इनकी तकरार देखने के लिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, तकरार अगर होगी भी तो हमारा और आपका करार ठहाकों का है, पूरी गारंटी और वारंटी के साथ। आप हंसेंगे ठहाके लगाएंगे, तकरार होगी तो भी बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.